हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, हमने लास्ट पहले भी इक्वेशन फाइंड की हुई है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसमें क्या था, एक्सटर्नल फील्ड कोई नहीं था। ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बाहर से फील्ड लग रहा है जिसे हम एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे। तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने पोजीशन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिया है कि यहाँ से हर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी चार्ज है, जहाँ पॉइंट पी पर कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोजिशन वैक्टर जो आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना वर्क हुआ होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसके सामने उससे रहने के लिए वर्क तो करना ही पड़ा हुआ होगा, एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ी होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा ही। वो क्या होगा, तो उसके लिए पहले तो वर्क फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि जितना वर्क होगा वही तो उसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल हमें पता ही है क्यू इंटू वी होता है। तो अब यही स्टोर होगा, स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यू इज इक्वल टू क्यू वी। अब इस सिचुएशन में मैंने इसे वेक्टर पोजीशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पोजीशन में मैं कुछ यू लिखूंगा कि यू ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू वी ऑफ आर। ठीक है, आर इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो प्लस क्यू की पोजीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बस एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका इस मेन जो था वो था ये पोजीशन वाला। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो हम दोनों थियरी पढ़ेंगे, जब दो चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है, और सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात हम करेंगे, तो उस सिचुएशन में भी हम इससे कंसिडर करेंगे, मतलब इसी थ्रू पोजीशन वेक्टर के थ्रू ही हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की सारी नोट्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।